गवर्नमेंट सर्विस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस तरह से अपने आप को ढालना चाहते हैं कि ताकि हमने जिस चीज के लिए सालों से अपनी मेहनत लगाई है, अब मौका है आप लोगों के पास आगे उसी सपने को साकार करने का। इसी सपने को साकार करने के लिए ईएडी एजुकेशनल ग्रुप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में हजारों सिलेक्शंस देने के बाद आप लोगों के लिए 2024 का फाउंडेशन बैच की तो फाउंडेशन या फिर सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपके हर एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन की गारंटी ईएडी ग्रुप आप लोगों की लेता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे आप लोग अपनी स्टडी जो हम लोग कॉलेज के लाइफ को कहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि जो पढ़ाई हमने की है, जो स्टडी हमने सालों से की है, जिस चीज़ के लिए हम सालों से लगे हुए हैं, अब उसके बाद हमें रिजल्ट्स दिखे, उसके बाद अब हमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें जिस जॉब के लिए हमने अपना, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो या बीटेक का कोर्स हो, जो भी कोर्स हमने किया है उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्टिवली अब हम उस गवर्नमेंट सर्विस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस तरह से अपने आप को ढालना चाहते हैं कि ताकि हमने जिस चीज़ के लिए सालों से अपनी मेहनत लगाई है, सालों से हमने एक स्टेप वाइज स्टेप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर को पास किया है, अब मौका है आप लोगों के पास आगे उसी सपने को साकार करने का। इसी सपने को साकार करने के लिए ईएडी एजुकेशनल ग्रुप या फिर मैं आपसे कहूँ हम लोग यूट्यूब चैनल से लेकर आपके एप्लीकेशन तक, इसी बात को अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में हजारों सिलेक्शंस देने के बाद आप लोगों के लिए 2024 का 2024 बैच की अगर मैं बात करता हूँ आपके फाउंडेशन बैच की, तो फाउंडेशन या फिर सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपके हर एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन की गारंटी ईएडी ग्रुप आप लोगों की लेता है। बस बसरते बात उसमें यह है कि गारंटी जो ली गई है उस गारंटी के हिसाब से जो नियम और शर्तें बनेंगी वो आपको टीचर्स आपके बना के देंगे, हमारा ईएडी ग्रुप बना कर देगा, और बाकी चीज़ें आपका काम जो है उस दिशा निर्देश पर, उन रूल्स पर चलने का। तो हम बात करते हैं अपने सिलेक्शन बैच की, अपने फाउंडेशन बैच की, किस बैच में आप लोगों को किस तरह से और कैसे कैसे स्टेप वाइज चीज़ें मिलेंगी, और कैसे ये चीज़ें ही आप लोगों के सिलेक्शन के लिए आपके साथ भी देंगे और सिलेक्शन में ही आपको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे पूरी 100%। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टीचिंग से ही, अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि आप लोगों को सबसे पहले वेल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ आपका, कि हर एक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट कराएंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को लीड आपके साथ या हर एक फैकल्टी के साथ रमन सर कर रहे होंगे, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हों चाहे वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हों। तो हर एक सब्जेक्ट को बेसिक से आप लोगों के फंडामेंटल क्लियर करते हुए, फिर उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में ले जाते हुए, फिर धीरे धीरे चीजों को जोड़ते हुए न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ, फिर उन्हीं चीजों को कोरिलेट करवाया जाएगा आप लोगों का कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में उन सेक्शन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। और ऐसे ही सिर्फ क्लासरूम में सीरियस माहौल कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक हंसी मजाक के माहौल के साथ ही, एक नॉर्मल फ्रेंडली माहौल के साथ ही हर एक चीज आपको क्लासरूम में कराई भी जाती है और कराई भी जाएगी, कि ताकि स्टूडेंट को कभी ऐसा ना लगे कि ये स्टडी जो हमारी चल रही है वो एक प्रेशर बन चुका है। स्टूडेंट को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि कभी भी वो प्रेशर फील ना करे, हर एक चीज को बहुत आसानी से वो समझे भी और आसानी से ही हर एक एग्जाम को वो क्लियर भी कर सके। तो आप लोग चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिस तरह से, जिस लेवल पर हो या जिस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा है और पूछ सकता है, हर एक चीज वो आप लोगों को, चाहे वो टेस्ट में है, चाहे वो क्लास में है, चाहे वो डाउट में है, हर जगह पर आप लोगों को वो चीज क्लियर करते हुए हर एक फैकल्टी मेंबर आपके साथ हमेशा चलते रहेगा। इस सिलेक्शन बैच में स्टूडेंट आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको जीवन जीने की कला भी हर एक फैकल्टी मेंबर अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको हमेशा सिखाते हुए रहेगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट, चाहे वो आप लोगों के कल्चरल प्रोग्राम्स हों, चाहे वो हमारे गेम्स हों, रेगुलर एक्टिविटीज भी आप लोगों को कराई जाएंगी, ताकि आप लोगों का माइंड के साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहे। और बाकी चीज़ें भी अगर मैं इस बैच में आपको कहता हूँ तो आप लोगों का पूरा एकोमोडेशन आपको मिलेगा, जिसमें वो आपकी हॉस्टल फैसिलिटी है या फिर आप लोगों का मेस फैसिलिटी है, ये सारी चीजें, ये बेसिक अगर मैं बात करता हूं कि जनरल, अगर कोई आपका शॉर्ट मेडिसिन की भी मैं बात करता हूं कि जनरल कोई आपकी
हल्की फुल्की जिसे बीमारियां हम कहते हैं, खांसी जुकाम, तो वो कुछ बेसिक नीड्स आप लोगों की आपको यही एकेडमी में ही मिल जाती है। इस बैच में अगर मैं रेगुलर बात करता हूं तो आपके क्लासेस के साथ साथ आपके रेगुलर टेस्ट के साथ आपके डाउट सेशन भी रेगुलर वे में रहते हैं। साथ के साथ जैसे आपको बताया कि आपके डिफरेंट टाइप के कल्चरल प्रोग्राम्स हो या आपके गेम्स हो या आपका मेस फैसिलिटी हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ एकेडमी में ही आपके कैंपस में ही प्रोवाइड की जाती है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन ईएडी ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करना है। वहां से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोगों का ओपन हो चुका है, तो यही इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर जरूर करें हर एक स्टूडेंट के साथ और मिलते हैं अपने फाउंडेशन बैच में यही ऑफलाइन में फिर आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।